बेकार की बेफिजुल की चिंता भरते रहते हैं, एक समय ऐसा हो जाता है जो हमारी मेमोरी से बाहर चला जाता है, हमारा ब्रेन ओवरफ्लो हो जाता है और उसी समय हमारी मेमोरी हैंग हो जाती है। उस सिचुएशन को कहते हैं डिप्रेशन। हरे कृष्णा। कलयुग के अंदर 80% WHO के मुताबिक युवा आज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। ऐसा होने का कारण क्या है? जब हम दुकान में जाते हैं, कोई एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, उस फोन में एक लिमिटेड मेमोरी दिया जाता है, उसके हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है। जब वो डेटा ओवरफ्लो हो जाता है, हमारा फोन हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं और उसी समय एक मैसेज पॉपअप होते हैं, प्लीज क्लियर योर फोन मेमोरी। उसी की तरह हमारी मनुष्य के दिमाग में भी एक लिमिटेड मेमोरी है। जब हम उसमें मतलब बेकार की बेफिजुल की चिंता भरते रहते हैं, एक समय ऐसा हो जाता है जो हमारी मेमोरी से बाहर चला जाता है, हमारा ब्रेन ओवरफ्लो हो जाता है और उसी समय हमारी मेमोरी हैंग हो जाती है। उस सिचुएशन को कहते हैं डिप्रेशन। आपने कभी सोचकर ये देखे हो, हम किस चीज को लेकर चिंता करते हैं? हम दरअसल चिंता करते हैं जो हमारी वश में ही नहीं है, यानी कि अतीत और भविष्य की। लेकिन हम उस विषय में कभी चिंता नहीं करते जो इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपकी ब्रेकअप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो चुका है और आप उसी चीज को लेकर बार बार सोचे जा रहे हो और दुखी हो जा रहे हो। आप एक बार अच्छे से दिमाग लगाकर देखो, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो ब्रेकअप हुआ है, क्या उसके पीछे आपका हाथ है, आपका कोई वश है? आपका वश में अगर कुछ है तो आप गर्लफ्रेंड के साथ किस तरह की रिश्ता निभाए हो वो है। अब इसके बाद फल क्या होगा वो तो आपके हाथ में कभी था ही नहीं, तो इस विषय में चिंता कर क्या होगा? और भविष्य में ये क्या होने वाला है, इसके विषय में चिंता कर बेफिजुल की इमेजिनेशन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब आज ही से एक काम कीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और उसमें दो साइड में लिखिए क्या आपके वश में है, क्या आपके वश में नहीं है, और आपके जीवन की हर वो एक सिचुएशन को पकड़ पकड़ कर एनालिसिस कीजिए कि क्या चीज आप कर सकते हो क्या नहीं। आपको अपने आप सल्यूशन दिख जाएगा और धीरे धीरे अगर आप चीज को फॉलो करने लगोगे तो आपकी एंग्जाइटी लेवल भी जीरो लेवल पर आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। राधे राधे।